जय जय सीताराम। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया 51 दीपक जलाकर इस संध्या का शुभारंभ करें। सदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। The number that you had to beat was 18,81,000 plus lakhs. You have broken this by a big margin. जय श्री राम सनातनियों, कैसे हैं आप सभी? मैं जानता हूं कि फिर से मैं बड़े दिनों बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आ रहा हूं, लेकिन इस बार का ब्लॉग जो है वो सीधे दीपोत्सव के लेकर आ रहा हूं। और अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ में रुका हुआ हूँ और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं श्री अयोध्या जी के पास रामलला के दर्शन करने के लिए। ये मेरा पहला विजिट है अयोध्या के पास, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। और आशा है कि आपको भी जो हम लोग दिखाने वाले हैं, ये ब्लॉग चैनल है तो इसमें सारी चीज़ें एकदम कैजुअल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आज आपको रामलला के दर्शन हम अवश्य कराएंगे, तो इस ब्लॉग के एंड तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए आज का ब्लॉग आरंभ करते हैं। और हमारे साथ हमारे मित्र बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे परम मित्र जो है गौरव भाई, वो भी हमारे साथ रहेंगे, तो एकंदरित आपको बहुत कुछ देखने के लिए भी मिलेगा। चलिए आज का ब्लॉग आरंभ करते हैं। जय श्री राम। यो, अभी हम लोग लखनऊ से पहुंच चुके हैं अयोध्या के पास, और अयोध्या में अभी हमारा जो स्टे है वो कोहिनूर पैलेस के पास है। और अभी तो हम लोग अयोध्या में जितना हो सके छोटा मोटा दर्शन वगैरह करेंगे, और बाकी रामलला के पास हम लोग कल पहुंचने वाले हैं, और आज राम की पेड़ी के पास जाके भी हमारा दर्शन होगा। तो होप जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे अयोध्या देखने के लिए मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि अयोध्या ये मेरा पहली बार आना हुआ है और उसके वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं स्टे के लिए, जो यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है आप देख सकते हैं, कोहिनूर पैलेस। और यहाँ से सीधे अभी हम लोग स्टे करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं कोहिनूर पैलेस के अंदर, और ये हम लोग का स्टे है, मैं और गौरव भाई साथियों। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम जी की पैड़ी के पास, और अभी यहां से हम लोग निकलने वाले हैं श्री राम जी की पैड़ी के, यहां पे दर्शन लेंगे, और वहां से आगे आपको सरयू माता के आज आरती होगी, उस आरती के भी दर्शन कराएंगे। तो हमारी जो पहले की टीम थी वो वापस एक साथ जुड़ चुकी है, गौरव भाई है और अंशुल भाई फिर एक साथ हम लोग साथ में है। तो अभी यहाँ से भीड़ भाड़ काफ़ी, और जो सिक्योरिटी चेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये आईडी कार्ड होने की वजह से हम लोग को इजीली अंदर तक आने के लिए मिल गया है, लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको एंट्री नहीं मिलेगा जल्दी में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तो भाइयों, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक काफ़ी स्ट्रांगली किया जाता है। अगर आप लोग के पास कोई आईडी वगैरह है और आईडी के साथ आप लोग आते हैं तो आप लोग को इसलिए यहाँ पे अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग आओ तो आपके पास ये आईडी कार्ड होना चाहिए, और जितना भी सिक्योरिटी यहाँ पर दिख रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा करा हुआ है सिक्योरिटी का रीजन, बाकी तो आनंदमयी वातावरण है, तो आस पड़ोस में सारे ब्लॉगर्स चल रहे हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं राम की पैड़ी पर सजने वाले जितने भी दिए हैं, इन सभी दियों का फिर से एक बार विक्रम रचने वाला है उत्तर प्रदेश। और इसी दियों को अपने पिछले वर्ष भी विक्रम के रूप में देखा था, लगभग 15 लाख के ऊपर कुछ दिए थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इस बार जो दिए की काउंटिंग्स हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिए की काउंटिंग चल रहा है कि लगभग 21 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे, और पुनः एक बार उत्तर प्रदेश एक विक्रम यहां पर रचने वाला है 21 लाख दियों के साथ, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं राम की पैड़ी के पश्चात आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जय श्री राम साथियों, ये हमारे सभी जय श्री राम। तो ये सभी हमारे सहकारी मित्र हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या अभी धार्मिक स्थल के रूप में तो पहले से प्रचलित थी, लेकिन अभी इसे एक अलग पहचान मिली हुई है, और हमारे युवा भी जो है वो धार्मिकता के और बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये अयोध्या की बदले हुए स्वरूप को, क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था या हो रहा है? पहले जैसे अभी जब से योगी जी की सरकार आई तब से ऐसा हो रहा है। अच्छा, पहले तो कुछ पता ही नहीं लगता है कि क्या दीपावली क्या कुछ है, और
मतलब हर एक टारगेट आ रहा है हर साल और अच्छा होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है। और ये सारे हमारे बंधुगण हैं जो हमसे भेंट के लिए आए थे और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से भेंट करके। और पहली बार ये शायद ये आते ही कह रहे थे कि हम पहली बार आए हुए आपसे मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आशा है कि ऐसे और भी सहकारी जिनको भी मिलना है, हम 3 दिन तक यहीं पर हैं, ब्लॉग आता रहेगा, आप लोग आइए और हम लोग इसी राम की पैड़ी पर मिलते रहेंगे। हम लोग अभी कल प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल मिलेंगे, लेकिन भगवान श्री राम का ऐसा महिमा कि आज ही मिला दिया आपसे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए फिर मिलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों आज का दिवस हमारा समाप्त हो चुका है और आज का जितना भी दृश्य सरयू माता की आरती से लेकर राम जी की पेड़ी तक जितना हमें दिखाना था आपको दिखाए हैं। अब कल सुबह मिलते हैं और आपको दीपोत्सव का जो अद्भुत दृश्य दिखने वाला है वो देखकर आपको जितना आनंद इस मोबाइल में देखने का आएगा उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकली अगर आप यूपी में होते तो आपको देखकर अधिक लाभ होगा और आनंद भी होगा। तो कल जो विक्रम होने वाला है 21 लाख दियों का, उसके हम प्रमाणिक और साक्षी बनने वाले हैं। तो कल का वीडियो जो आपको एक ही ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, तो कल आपको दिखाते हैं। जय श्री राम सनातनियों, स्वागत है आपका दूसरे दिन के अयोध्या धाम के इस ब्लॉग के अंदर। अभी हम आ चुके हैं अयोध्या के अंदर और यहाँ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरी झांकी है, आपको पूर्ण झांकी भी दिखाएंगे। और आज का पूर्ण दिवस आपको एक ही ब्लॉग में कल का तो देख लिया आपने, लेकिन आज आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। जो दीप कल सजे हुए थे वो सभी दीपक आज एक विक्रम रचने वाले हैं। यहाँ पर जो है शोभा यात्रा आरंभ हो चुकी है और शोभा यात्रा के अंदर 22 राज्यों से लोग आए हुए हैं जो अपने अपने कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने यहाँ पर नृत्य देखा वो अलग अलग राज्य के लोग अपनी कलाकृति को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाने के लिए उत्सुक है। और मैं इसलिए इतना जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि आस पड़ोस में अभी हर जगह पे ढोल लगा रहे, ताशे जोर से बोल रहे, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम। तो साथियों अभी यहाँ पर 24 लाख दिए एकत्रित एक समय में अभी यहाँ प्रज्वलित कर दीजिए चाह चुके हैं और अभी धीरे धीरे आरंभ हो चुका है और सभी दिए एक साथ प्रज्वलित हो जाएंगे। और कुछ ही क्षणों में आप यहाँ सामने जो मंच देख रहे हैं यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया 51 दीपक जलाकर इस संध्या का शुभारंभ करें। सभी मंचासीन राजनयिक अतिथियों से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से इन दीपों को प्रज्वलित करें। उन देशों से आज अयोध्यापुरी में उपस्थित हिज एक्सलेंसीज ऑल एम्बेसडर्स, राम राज्य की सौधारणा को
जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो, बल्कि जो भाव प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों के सामने रखा था, सबका साथ सबके विकास का, उसको मूर्त रूप में सबके सामने रखना। और यह भी अयोध्या पुरी के माध्यम से, तब भाइयों बहनों जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। जय जय सीताराम। The number that you had to beat was 18,81,000 plus lands. You have broken this by a big margin. We have finished the count of about 22,23,000, and this makes it officially amazing and a new Guinness World Records title. Congratulations to all of you. And now I'd like to present the official certificate to make this occasion even better. Thank you.